अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का सम नंबर 6, चेक वेदर -150 इज़ ए टर्म ऑफ एपी। जे एपी हमें दिया हुआ है, इसकी टर्म्स हैं 11, 8, 5 और 2। तो हमने ये चेक करना है कि -150 जो है इस एपी की टर्म है या नहीं। तो पहले हम लिखेंगे ए फर्स्ट टर्म 11, तो कॉमन डिफरेंस डी, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म 8 है माइनस फर्स्ट टर्म है 11, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -3। अब -150 को हम सपोज कर लेंगे कि ये nth टर्म है। लेट टी एन इज इक्वल टू -150। तो हमने सपोज कर लिया कि -150 जो है वो nth टर्म है एपी की। तो nth टर्म का फार्मूला लिखेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर टी एन जो है nth टर्म वो हमने सपोज की है -150, तो इसके स्थान पर लिखेंगे -150 इक्वल ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू -3, कॉमन डिफरेंस। अब ये जो 11 है ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और उधर जाकर हो जाएगा नेगेटिव। -150 ये +11 लेफ्ट हैंड साइड जाकर -11 हो गए इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड रह गया एन माइनस वन और -3 × -3। ये दोनों नेगेटिव हैं, इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करके बन गया -161 इज इक्वल टू ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू -3। -3 से इसे डिवाइड कर देंगे, -161 ओवर -3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये जो 1 है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड दे जाएंगे, तो माइनस से इधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो 161 ओवर 3, ये -1 लेफ्ट साइड पर आकर प्लस हो गया इज इक्वल टू एन। अब एलसीएम से इनको ऐड कर लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3, एलसीएम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, 1 को 161 से मल्टीप्लाई किया 161 प्लस एलसीएम 3 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर 1 से तो 3 आएगा, 3 से 1 को न्यूमिरेटर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 इज इक्वल टू एन। अब एन की जो वैल्यू हमारे पास आ गई तो एन इज इक्वल टू इनको ऐड कर लेंगे, 161 प्लस 3 164 ओवर 3, ये एन की वैल्यू आ गई। अब एन जो है वो टर्म का नंबर होता है और टर्म का नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ जो टर्म का नंबर है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि -150 जो है वो इस एपी की टर्म नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है। तो n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही n जो है वो कभी भी फ्रैक्शन में हो सकता है। तो क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है n, तो हम लिखेंगे -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी।
तो जो एपी हमें दिया हुआ था उसकी ये टर्म नहीं है। सम नंबर एट, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, उसकी थर्ड टर्म 12 है एंड लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म जो है वो 106 है। फाइंड 29th टर्म, तो 29th टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो दो टर्म हमें दी हुई हैं, एक थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म जो है वो है 12 और दूसरी है लास्ट टर्म। अब क्योंकि 50 टर्म का एपी है तो लास्ट टर्म जो होगी 50th टर्म होगी, तो टर्म 50 जो है वो है 106। ये दो टर्म हमें बताई हुई हैं तो हमने फाइंड आउट करनी है 29th टर्म। अब जो थर्ड टर्म एपी की होती है वो होती है ए प्लस 2d, तो थर्ड टर्म है 12, ये इक्वेशन 1 आ गई। 50th टर्म जो एपी की होती है वो होती है ए प्लस 49d। डी जो है वो टर्म के नंबर से 1 लेस होता है। थर्ड टर्म है तो डी होंगे 2, 50th टर्म है तो डी होंगे 49। इज इक्वल टू 50th टर्म जो है 106 है, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज, माइनस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ए कैंसिल हो गया। 49d माइनस है, उसमें से 2d माइनस हो जाएंगे प्लस के, तो माइनस 47d इज इक्वल टू 106 माइनस है, उसमें से 12 जो है प्लस के वो माइनस हो जाएंगे, तो बाकी रह जाते हैं माइनस 94। माइनस दोनों साइड से कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 94/47। तो 47-1, 47-2, तो d की वैल्यू आ गई 2। अब हम d की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे a की वैल्यू निकालने के लिए। तो d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जो फर्स्ट इक्वेशन है जे वाली, इसमें हम d की वैल्यू जो है वो 2 पुट कर देंगे। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 2d, ये 2 और d की वैल्यू वो भी 2 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 224 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a इज इक्वल टू 12 में से 4 माइनस कर दिए 8। अब a की वैल्यू आ गई 8। अब a और d हमें पता चल गए, तो अब हम निकाल सकते हैं 29th टर्म। तो t29th टर्म जो ap की है वो इक्वल होती है a प्लस 28d, जहां a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू 8 प्लस 28 और d की वैल्यू 2। तो 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 56, तो दोनों को ऐड कर दिया है, तो 29th टर्म जो है वो आ गई 64। अब हम करेंगे सम नंबर 10। ये सम नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। ए पी की जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, एक्सीड है। फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो दो टर्म है ए पी की, 17th और 10th। तो 17th टर्म जो है
T17 वो ग्रेटर है टेंथ टर्म से बाय 7 ग्रेटर है, तो T17 माइनस T10 तो इज इक्वल टू 7, क्योंकि 17th टर्म जो है टेंथ टर्म से 7 ग्रेटर है, इसलिए जब हम 17th टर्म में से 10th टर्म को माइनस करेंगे तो जितना डिफरेंस है वो ही आएगा, 7 का डिफरेंस है तो इक्वल क्या आएगा 7। 17th टर्म जो होती है p की वो होती है a प्लस 16d माइनस जो 10th टर्म होती है p की वो होती है a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। ये 17 टर्म और ये 10th टर्म, अब ब्रैकेट को हटा देंगे, a प्लस 16d माइनस ब्रैकेट को हटाएंगे अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। अब प्लस माइनस a कैंसिल हो जाता है, 16d में से 9d माइनस हो गए तो 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 7/7, तो 7 को 7 से कट किया तो d की वैल्यू आ गई 1, तो d क्या है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो आ गया 1 इज इक्वल टू 1।